क्या आप एक छोटी सी अमाउंट से 35 करोड़ बनाना चाहते हैं? क्या आप एक अमीर करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपकी लाइफ यहां पर बदलने वाली है। दो तरह से लोग यहाँ पर सोचते हैं। सबसे पहला तरीका, हमारी काफ़ी मेहनत की कमाई है, रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 8-9% हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, लालची मत बनो और इन्हीं परसेंट रिटर्न के साथ आप पैसे बनाओ। दूसरे तरफ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पर जो बाज़ार में काफ़ी समय से बने हुए हैं, वो यहाँ पर खुश नहीं है 6-7% के रिटर्न के साथ। थोड़े से पैसा के गिरावट में भी वो यहाँ पर घबराते नहीं हैं। उन्होंने 2008 में 60% का भी लॉस देखा है और 2014 में 2017 में ये 60-70% का पॉजिटिव रिटर्न भी यहाँ पर देखा है। इनको अप्स और डाउन बाजार की यहाँ पर बॉदर नहीं करती है। तो पॉइंट क्या है कि लालची होने में फ़ायदा है या फिर लालची नहीं होने में फ़ायदा है, आइए जानते हैं। एक केस स्टडी से समझते हैं। काफ़ी पुराने इन्वेस्टर थे जो अपनी SIP की शुरुआत यहाँ पर 2000 रुपये के साथ करी थी और आज के डेट में वो यहाँ पर रिटायर हो गए। 25 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है और वो यहाँ पर उनका एक थीम चलता था कि हर साल वो अपनी SIP अमाउंट को 400 रुपये बढ़ाते थे, यानी पहले साल 2000, फिर 2400, फिर 2800, फिर 3200, ऐसे करते करते आज भी वो यहाँ पर 12000 की SIP अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन 25 सालों में जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो लगभग यहाँ पर किया 20 लाख रुपये और जो उनको मैच्योरिटी मिली आज के डेट में 2019 में, वो मिली 2,95,00,000 रुपये, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए यहां पर उन्होंने अपनी SIP से यहां पर बना लिए आज के समय में। तो आज के समय में 3 करोड़ रुपए ये काफी होते हैं किसी भी यहां पर निवेशक के लिए। लेकिन उन्होंने ये जो 2008 का दौर भी देखा, 2014-15 का भी दौर देखा, 2017 का भी दौर देखा और जो अभी रिसेंट थोड़ा सा हमारी गिरावट चल रही है 2018-19 का भी दौर देखा। केस में हमको ये पता चला कि 2008 का जब दौर था, जब 2008 का समय चल रहा था, तो उनकी SIP थी 2008 के जनवरी के शुरुआत में उनकी SIP की अमाउंट थी 90 लाख रुपए। जब 2008 ख़त्म हुआ, जब 2008 का क्राइसिस आया और 2008 का साल ख़त्म होते होते दिसंबर आखिरी में उनकी 90 लाख रुपए की वैल्यू गिरकर सीधा 30 लाख रुपए हो गई, यानी कि 60 लाख का नुकसान यहां पर उनको हुआ। अब हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर, कम से कम 99% लोग यहाँ पर इस समय में अपना जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको लेकर यहाँ पर सेल कर देते और बाजार को छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने पैसे को वहीं पर रहने दिया। और आप यहाँ पर यकीन नहीं करोगे कि 2009 में जब साल ख़त्म हुआ, जब 2009 का दिसंबर आया, तो उनके 30 लाख यहाँ पर वापस से 70 लाख रुपए बन गए, यानी कि लगभग 45-50% का उनको गेन प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। अगर वो अपनी SIP को 30 लाख पे रिडीम कर देते 2008 के आखिरी समय में, बोलते कि ये तो मेरा पैसा शायद ये भी डूब जाएगा, तो वो वापस से 70 लाख रुपए यहाँ पर नहीं बना पाते। इससे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को याद आता है, वैरन बफेट की याद आती है, जब वो हमको यहाँ पर एक काफ़ी फेमस क्योट देकर गए थे कि बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर आर फियरफुल, यानी कि जब दूसरी लालची, जब दूसरे लालच में आ जाते हैं तब हम डरते हैं और जब दूसरे डरने लगते हैं तब हमको यहाँ पर लालची होना चाहिए। तो ये वैरन बफेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उन्होंने यही प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो किया और शायद यही राज था उनके यहाँ पर पैसा बनाने का। यही सेम चीज़ सक्सेसफुल होने की राज को अगर मैं बाजार के रिस्पेक्टिव में बताऊँ तो ये होगा कि जब दूसरे लोग लालच में यहाँ पर आ जाते हैं और पैसा लगाते हैं बाजार में, तब हमें बाजार में पैसा नहीं लगाना है। और जब बाकी लोग यहाँ पर डर जाते हैं और डर के पैसे निकालने लगते हैं, तब हमको उस समय पैसा लगा देना है, यानी कि गिरावट में जब लोग डर के पैसा निकालेंगे तब हमको यहाँ पर पैसा लगाना है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। अब
आप यहाँ पर करंट सिचुएशन से कैसे यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं, 15 से 30 करोड़ रुपए बड़े आसानी से यहाँ पर कमा सकते हैं अपने रिटायरमेंट तक। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आप अभी एक 25 से 35 साल के एज ग्रुप में आते हैं और आप 60 साल में यहाँ पर रिटायर होना चाहते हैं, आप अगर 10,000 रुपये के साथ अपनी SIP को स्टार्ट करते हैं और फंडा यही है कि सालाना हर साल आप यहाँ पर अपनी SIP को 2,000 रुपये ही बढ़ा देते हैं, यानी कि पहले साल आपने 10,000 दिया, दूसरे साल 12,000, तीसरे साल 14,000, चौथे साल 16,000 की SIP, ऐसे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो लगभग आप यहां पर 30 से 35 करोड़ रुपए बना सकते हैं अपने 60 साल की उम्र तक, जो कि यहां पर काफ़ी ज़्यादा आपको अभी लग रही होगी। लेकिन इन्फ्लेशन अगर हम एडजस्ट कर दें, क्योंकि बहुत से लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नहीं बताते हैं, तो अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो उसकी अमाउंट लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए आज की डेट की होगी। तो भी आज की डेट में भी अगर आपको रिटायरमेंट में 10 करोड़ मिल जाते हैं तो वो बहुत ही यहाँ पर सफिशिएंट होगा। यही प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है और आप भी ऐसे ही यहाँ पर बड़े आसानी के साथ 15 से 30 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो यहाँ पर अच्छा लगा होगा। लेकिन जाने से पहले मेरे पास आपके लिए खास मैसेज है, अगर आप कभी गिरावट में फंस जाए तो उससे आगे निकलने का, गिरावट से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप आगे बढ़ते चले जाए। चाहे आगे बढ़ना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप यहां पर धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए और एक दिन सफलता जरूर आपको यहां पर मिल जाएगी। तो वीडियो के लिए लाइक, यहां पर शेयर करने का काम मैं हमेशा आपके लिए छोड़ता हूं। आप शेयर कीजिए अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी यहां पर पता चले इन्वेस्टिंग के बारे में कि कैसे वो भी यहां पर करोड़पति बन सकते हैं और जो अपने लाइफ के अलग अलग ड्रीम्स हैं उसको वो यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो पहली बार, नीचे आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड और बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूं और आगे भी म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग के बारे में आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने किसी और वीडियो के साथ में।